का वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मतलब अगर आप लोग के पास मैं क्लियर बोलना चाहूंगा, आप लोग को गिल्ड के बारे में ये मैं आपको 100% गारंटी लेता हूं। क्या लेता हूं? 100% गारंटी लेता हूं। ये वीडियो समझो ये ऐसा वीडियो है गिल्ड के बारे में कि आपको छोटा छोटा चीज आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। ये नहीं पता कि मुझे ये वीडियो कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा। ये सब में आप लोग सोचते हो कि मेरा यहां पर ग्लोरी कंप्लीट नहीं हो रहा, मेरा यहां पर ये एक्टिविटी पॉइंट नहीं बढ़ रहा, क्या मुझे कस्टम मिलेगा, कैसे मिशन को कंप्लीट करना है, कैसे मुझे रिवार्ड्स मिलेगा, कैसे मैं ज्वाइन हो सकता हूं, ए टू जेड, मतलब समझ रहे हो, मतलब संपूर्ण जो जानकारी जो होता है ना गिल्ड के बारे में इस वीडियो में देने वाला हूं। इसीलिए मैं पहले ही बताता हूं, अगर आप लोग के पास टाइम हो तभी इस वीडियो को देखे, ये नहीं कि भाई मेरी टाइम यहां पर वेस्ट हो रही है। अगर आप सब कभी फ्री हो तभी इस वीडियो को देखे, क्योंकि गिल्ड के बारे में इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जितनी सारी भी इंपॉर्टेंट चीज होगी मैं सारा वीडियो एक ही वीडियो में, इसी वीडियो में मैं सारा कवर करने कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो गाइस बिना बकवासी के साथ हम वीडियो करते हैं यहां पर स्टार्ट। पर देखो अगर आप सब यहां पर न्यू गिल्ड पर क्लिक करते हो, अभी फिलहाल मैं यहां पर गिल्ड में ज्वाइन हूं, तो मैंने क्या बताया इस वीडियो में हर चीज के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। तो अभी मैं पहले चलता हूं जिस मैं गिल्ड में शामिल नहीं हूं, ये वाला आईडी में मैं यहां पर आ चुका हूं। अगर मैं ऊपर अगर मैं यहां पर गिल्ड पर क्लिक नहीं करता हूं, पहले आप डिटेल के साथ समझो। अब आपको इंटरफेस कुछ ऐसा यहां पर देखने को मिलेगा अगर आप सब पहले से यहां पर गिल्ड में शामिल नहीं हो। अब सबसे बड़ी बात है, अगर आप नया गिल्ड को यहां पर क्रिएट करना चाहते हो तो अगर आप लोग यहां पर से, अगर आप लोग किसी का भी गिल्ड में ज्वाइन नहीं हो, यहां पर से आप लोग गिल्ड को नॉर्मली यहां पर से क्रिएट कर सकते हो। आप लोग समझ गए? अब सबसे बड़ी बात है, देखो अगर आपको किसी के गिल्ड में यहां पर ज्वाइन होना है, यहां पर से आप लोग रिफ्लेस कर सकते हो, यहां पर से आप लोग ज्वाइन नहीं हो सकते हो। अपडेट में आप लोग को यहीं पर ऑप्शन देखने को मिल जाता था। अब आप लोग को अगर जैसे मैं मान लेता हूं कि इस बंदे को मुझे रिक्वेस्ट भेजना है, इसको यहां पर क्लिक करेंगे, यहां पर से मुझे यहां पर जैसे आपको यहां पर मुझे ज्वाइन का रिक्वेस्ट करके मुझे ज्वाइन होना पड़ेगा। जैसे मैं मान लेता हूं कि मुझे इस बंदे को रिक्वेस्ट भेजना है, तो मुझे यहां पर से रिक्वेस्ट है ज्वाइन के लिए इसको भेजना पड़ेगा, तब ये पर से अप्रूवल करेगा, तभी होगा। तो ये सबसे आप लोग यहां पर से भेज सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप लोग के पास आईडी है तो आप लोग अब यहां पर से सर्च कर पाओगे अपने गिल्ड वाले मेंबर के साथ, जो भी आईडी होगी सर्च करके फिर आप लोग को यहां पर से उसको ज्वाइन रिक्वेस्ट भेज दोगे। आई होप कि यार आप लोग समझ गए होगे। एक चीज और हम बताना चाहेंगे, यहां पर अगर आप लोग रिफ्रेश करोगे तो यहां पर एक लोकल वाला आपको ऑप्शन देखने को मिलेगी। अगर आपको ऐसा यहां पर देखने को मिलेगा, समझना कि आपकी स्टेट में जो है उस स्टेट का यहां पर आपको गिल्ड देखने को मिलेगा, इसलिए वहां पर लोकल वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है। फिलहाल यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है, चलो कोई बात नहीं, ये सब तो आप लोग इंटेलिजेंट हो ही। मैं आपको समझाता हूं कि मतलब गिल्ड के बारे में अगर आप सब ज्वाइन हो जाते हो तो अब हम सब गिल्ड को कैसे काम करेंगे डिटेल के साथ। अगर आप सब यहां पर गिल्ड पर यहां पर क्लिक करोगे, गिल्ड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा खुलेगा। सबसे पहले चेक करना है लेबल, अगर आप सब पहले लेबल 4 में थे तो आपको यहां पर लेबल 2 में फेंक दिया जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी आपके पास ओल्ड वाला यहां पर टोकन है, उस ओल्ड वाले टोकन का अब आपका यहां पर काम नहीं होने वाला। अगर आप सब मेरा बहुत पहले के बाद अगर मेरा वीडियो देख रहे हो बहुत पहले के बाद, तो भाई आपको यहां पर आपको मैं बताना चाहूंगा, आपको एक गिल्ड में यहां पर रिवार्ड्स मिल रही है पुराना वाला गिल्ड टोकन से, यहां पर से आप लोग गोल्ड को एंड यहां पर से रिवार्ड को एक्सचेंज कर पाओगे। ये सिर्फ आपको लिमिटेड टाइम के लिए देखने को मिलेगा, नहीं तो आपका फिर हमेशा के लिए वहां पर ओल्ड वाला टोकन बर्बाद हो जाएगा। ये भी एक क्लियर स्टेप था। देखो भाई अगर आप सब गिल्ड पर क्लिक करोगे, थोड़ा हम यहां पर सेटिंग के बारे में यहां पर बात कर लेते हैं, तब भाई और आगे आगे यहां पर बात करेंगे। सेटिंग पर क्लिक करोगे तो यहां पर आपको एक में क्लिक करना है, यहां पर क्लिक करके आप लोगो यहां पर चेंज कर सकते हो, आप लोग जो भी लेवल पे गिल्ड में हो। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है, चलो आप लोग ये समझ गए। साथ में एक आपको यहां पर मतलब फर्मा भी दिया जाएगा, जिसके वजह से इसके बीच लगा के तब आप लोग ये शेर जैसा यहां पर लगा सकते हो, समझ गए, आइकन लगा सकते हो। एंड अगर आप लोग को गिल्ड का नाम चेंज करना है तो इस पर क्लिक करके आप लोग गिल्ड का भी यहां पर से नाम चेंज करके यहां पर टोकन लगा सकते हो। ये भी समझ गए, मतलब आप लोग को डायमंड लगा सकते हो। अगर ये गिल्ड प्रमोशन का ये काम होता है कि अगर आप लोग यहां पर गिल्ड प्रमोशन यहां पर से गोल्ड में खरीद लेते हो तो आप सबका क्या होगा, बंदे रहेंगे जैसे कोई गिल्ड में शामिल नहीं हुआ है उसको ज्यादा रिकमेंड करेगा 24 आवर के लिए। मतलब जैसे मैं मान लेता हूं आपका गिल्ड को 10 बार रिकमेंड करता है तो 20 से 30 बार रिकमेंड करेगा आगे के स्क्रीन में जो भी बंदे गिल्ड में शामिल नहीं है। तो समझिए प्रमोशन का मतलब क्या होता है। ये गाइस लोकेशन है, आप लोग जो भी लोकेशन है तो यहां पर से आप लोग नॉर्मली सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप लोग इसे चेंज करना चाहते हो तो फिर आपको अगले मंडे
यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर आपको ऑटो अप्रूवल के बारे में यहाँ पर पता ही है, अगर आप सब यहाँ पर ऑफ करके रखते हो तो भाई ऑटोमेटिक बंदे आप में शामिल हो जाएंगे। अगर आप इसे यहाँ पर ऑन करके रखते हो तो आपको यहाँ पर अप्रूवल का टिक यहाँ पर लगाने के लिए आएगा। आपको मैं समझा देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर मेंबर पे आया तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखो बंदे अप्रूवल के लिए मुझे भेजे, इस तरह अप्रूवल का यहाँ पर ऑप्शन आएगा। आप सब यहाँ पर समझ गए। अब मैं फिर से यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करता हूँ, कुछ और मैं आपको इंपॉर्टेंट बात के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर से आप लोग लेवल सेट कर सकते हो, कितने लेवल वाले गिल्ड में बंदे लेना चाहते हो। यहाँ पर से आप लोग गिल्ड को टाइटल यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हो, आप लोग जो भी यहाँ पर से टाइटल सिलेक्ट कर सकते हो। और साथ में यहाँ पर आप लोग को जो लिखना है लिख दो। एंड नोट में आप लोग को एक चीज जरूर लिखना है कि मतलब 500 अगर एक्टिविटी एक हफ्ते के अंदर वे बंदा नहीं पुराता है भाई निकाल देना। क्योंकि भाई ये नोट अगर आप सब लिख दोगे तो उससे क्या ये फायदा होगा कि आपके गिल्ड में जितना सारे बंदे हैं तो ऊपर उसको नोट में इस तरह शो होगा, साथ में वहां पर कौन सा बंदा क्या परचेस किया, कितना पॉइंट लिया, ए टू जेड यहाँ पर क्लियर होने वाला है। चलो भाई आप सब इसके बारे में भी सेटिंग के बारे में समझ गए, नाम कैसे चेंज करना इसके बारे में भी समझ गए। यहाँ पर आप लोग गिल्ड आईडी भी कॉपी कर सकते हो, नया सिस्टम दिया है बहुत अच्छा है। अब सबसे बड़ी बात है लेवल को कैसे इंक्रीज कर सकते हो। आपको सेकंड लेवल इंक्रीज करने के लिए 13,700 की जरूरत है। लेवल ट्री में जाओगे फिर आपको यहाँ पर पॉइंट बढ़ेगी, मतलब आपको यहाँ पर ग्लोरी अब आपको नहीं बढ़ेगी, अब आपको एक्टिविटी पॉइंट का जरूरत होगा। एक्टिविटी अब आप सबको पॉइंट कैसे मिलेगा, ये कैसे आप लोग कंप्लीट कर पाओगे, पहले हम उसके बारे में यहाँ पर समझते हैं। अगर आप लोग को गिल्ड एक्टिविटी यहाँ पर अगर कंप्लीट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको पहले एक्टिविटी रिवार्ड्स पर आना पड़ेगा। एक्टिविटी रिवार्ड्स पर क्या मिलने वाला है इसके बारे में बाद में बात करूंगा। पहले देखो आप लोग गिल्ड एक्टिविटी, ये आपका गिल्ड एक्टिविटी है, माय वीकली गिल्ड एक्टिविटी है कि आपने एक वीक के अंदर, मतलब ये 5 दिन के बाद फिर से ये जीरो हो जाएगा, फिर गाइस यहां पर एक हफ्ते के बाद फिर जीरो हो जाएगा, मतलब 7 डेज का ये मिशन रहने वाला है। 7 डेज के अंदर आपको यहां पर से गिल्ड टोकन मिलेगा। इस गिल्ड टोकन का क्या काम होगा कि आप लोग रिवार्ड्स में क्लेम कर पाओगे, ये आपका है। और साथ में अगर आप यहां पर व्यू पे यहां पर सिलेक्ट करते हो तो ये सारा बंदे का है कि मतलब आपका एक दिन में एक वीक के अंदर कितना एक्टिविटी पॉइंट आपका इंक्रीज हो रहा है गिल्ड से। अब एक्टिविटी अगर आप लोग पॉइंट यहां पर बढ़ाओगे तो कैसे इंक्रीज करोगे, चलो मैं इसके बारे में यहां पर बात कर देता हूं। आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, यहां पर गरीना ने यहां पर क्लियर कर दिया है कि अगर आप लोग यहां पर टीम अप के साथ खेलना पड़ेगा आपको एक्टिविटी पॉइंट बढ़ाने के लिए, मतलब आप लोग इसे जो गिल्ड ग्लोरी बोलते हो इसे आपको बढ़ाने के लिए आपको फ्रेंड के साथ खेलना पड़ेगा। फ्रेंड के साथ भी नहीं, मतलब गिल्ड वाले मेंबर के साथ। अगर आप लोग गिल्ड वाले मेंबर के साथ नहीं खेलोगे तो आपका यहां पर जीरो ही रहेगा। जैसे इस बंदे का जीरो है, इस बंदे का जीरो है, तो इसी तरह आपका यहां पर जीरो ही रहेगा। इसलिए आपको हमेशा कोशिश करना है, अगर आपको गिल्ड का लेवल बढ़ाना है तो आपको गिल्ड वाले मेंबर के साथ यहां पर गेम प्ले करना पड़ेगा। अगर गिल्ड वाले मेंबर के साथ अगर आप सब गेम प्ले नहीं करते हो तो आपका यहां पर लेवल इंक्रीज नहीं होगा, ना गिल्ड एक्टिविटी इंक्रीज होगा। अगर आप सब एक दिन में अनलिमिटेड यहां पर गिल्ड एक्टिविटी को यहां पर क्लेम कर पाओगे, जितना आप लोग गिल्ड वाले बंदे के साथ खेलोगे इतना आपका गिल्ड एक्टिविटी पॉइंट बढ़ेगा। फिर आपको एक वीक के अंदर इतना आपको यहां पर से गिल्ड टोकन मिलेगा, साथ में आप लोग को फिर गिल्ड में इतना टोकन मिलेगा। ये गाइस ओवरव्यू का है। अगर आप सब यहां पर गिल्ड वाले फ्रेंड के साथ खेलोगे तभी आपका, जैसे मैंने अभी 4-5-6 गेम गिल्ड वाले फ्रेंड के साथ खेला 4 बंदे को लेकर, तो मेरा इतना यहां पर कंप्लीट हुआ। इसी तरह आप लोग का यहां पर अगर एक हफ्ते के अंदर इतना होगा तो आपको इतना मिल जाएगा। अभी चलो मैं यहां पर से क्लेम भी करता हूं, यहां पर से भी क्लेम कर लिया, और साथ में यहां पर देखो मैं यहां पर से भी क्लेम कर लिया, क्लेम इसको भी कर लिया, इसको भी कर लिया, सारा क्लेम कर लिया। अब 175 मेरे पास यहां पर हो चुका है। एंड देखो आपको ये अब कहां पर से मिलेगा न्यू वाला टोकन, चलो मैं इसके बारे में बता दूं। न्यू वाला टोकन आपको यहां पर से भी मिलेगा। अगर आप सब यहां पर गिफ्ट आइकन पर यहां पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद अगर कोई भी बंदा हीरोइक में पहुंचता है, वीकली खोलता है, या कोई ग्रैंड मास्टर में पहुंचता है तो यहां पर एक बॉक्स दिया जाता है। एंड इससे भी आपको रिवार्ड्स यहां पर मिलने वाला है पॉइंट के हिसाब से। तो अब सबसे बड़ी बात है अगर आप लोग इस बॉक्स को भी यहां पर ओपन करोगे तो आपको यहां पर से देखो यहां पर से आपको गिल्ड का यहां पर रिवार्ड्स यहां पर दिया जाता है। तो फैनली वहां पर दिया जाता है, मुझे यहां पर दिया गया था। कि अब आप लोग समझ गए होंगे ये गिल्ड टोकन को आप कैसे ले सकते हो। सप्ते में आप लोग यहां पर से कुछ क्लेम कर सकते हो, वीकली मिशन यहां पर कंप्लीट करके एन एक्टिविटी डेली, मतलब एक हफ्ते के अंदर आपको इतना टोकन मिलेगा, 200 से लेकर 250 आपको टोकन यहां पर से क्लेम कर पाओगे ओनली ये दोनों मिशन से। एंड आपको गिल्ड वार एक टूर्नामेंट चालू होने वाला है। जिससे पहले क्या होता था, हम लोग का फ्राइडे को यहां पर मतलब ग्लोरी कंप्लीट करना पड़ता था 1800, जिसके वजह से आपको कस्टम मिलता था। अब आप सबको यहां पर कस्टम नहीं मिलने वाला है, पहले ओनली कस्टम मिलता था और छोटा मोटा रिवार्ड्स मिलता था। अब आपको बहुत तगड़ा तगड़ा यहां पर रिवार्ड्स मिलने वाला है एक वीक के अंदर। अगर आप सब यहां पर अगर आप लोग टोकन पूरा लोगे तो आप सबको अब ये सब सप्ते में आपको क्लेम देखने को मिलेगा। अगर आपकी गिल्ड लेवल 6 तक हो जाएगी तो भाई ये भी आपका टोकन भी इंक्रीज होगा। जब टोकन इंक्रीज होगा अगर गिल्ड अगर आप लेवल 6 में अगर पहुंच जाओगे तो आप सबको ये मिल जाएगा। किसी के भी अगर गिल्ड लेवल 6 का है अगर आप उसमें चले जाते हो तो तब भी आपको ये क्लेम करने को
ऑप्शन आएगा। आप सब रिवार्ड्स के बारे में समझ गए। एंड एक चीज और इम्पोर्टेंट बात, गिल्ड वार इवेंट भी हम लोग का टूर्नामेंट एक होने वाला है, जैसे हम लोग का पहले होता था 1800 ग्लोरी वाला। ये गाइस यहां पर से हम लोग का 11 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, मतलब 11 नवंबर से जो आने वाला है, मतलब शाम में एक गिल्ड वार, मतलब समझो एक गिल्ड वार जैसा एक गेम आएगा आपको जो खेलना पड़ेगा गेम के साथ। अगर आप लोग उसमें खेल के पॉइंट को ज्यादा इंक्रीज करते हो गिल्ड वाले मेंबर के साथ खेल के, तो आपको इसमें बहुत छोटी मोटी रिवार्ड्स मिलेगा, साथ में आपको स्क्वाइंग मिलेगा एंड भी बैच मिले भी देखने को मिलेगा 15 टॉप लीडर बोर्ड में अगर जो भी आ जाएगा। इसी तरह आपको यहाँ पर रिवार्ड्स क्लेम करने को मिलेगा। ये एक छोटा मोटा गिल्ड के बारे में था जो मैंने आपको डिटेल के साथ यहाँ पर कवर करने की कोशिश किया। अब आप लोग का दिमाग में बहुत सारी डाउट आता होगा कि अब मैं गिल्ड से निकलूंगा कैसे, यहाँ पर क्लिक करके आप लोग गिल्ड से निकल सकते हो। ये आपको वर्ल्ड में रिक्वेस्ट भेज सकते हो अगर आप बंदे को लाना चाहते हो, यहाँ पर से आप लोग टिक 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 लगा सकते हो। मैंने तो ये आपको शुरू में ही समझाया। अब सबसे बड़ी बात है, अगर आप गिल्ड को हटाना चाहते हो, अगर आप लीडर हो या एक्टिंग लीडर हो या ऑफिसर हो, तो आप लोग कैसे हटा सकते हो। जैसे मैं मान लेता हूं कि इस पर क्लिक करता हूं कोई इनिमी को, तो यहां पर से आप लोग इसे किक कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, फ्रेंड को ऐड कर सकते हो। एंड अगर आप सब यहां पर मैनेज पर यहां पर क्लिक करोगे, तो यहां पर से क्या कर सकते हो कि हर वीक में हर बंदे का यहां पर ग्लोरी को चेंज होने वाला है, कि मतलब हर वीक का आपको दिखाएगा। अगले वीक आपको फिर यहां पर शो नहीं होगा, फिर अगले वीक आपका नया शो होगा। फिर अगर आप लोग यहां पर मैनेज पर आपने वहां पर क्लिक किया, हर बंदे का यहां पर टोटल शो होगा, एक वीक का शो होगा, टोटल शो होगा, ऑनलाइन है ऑफलाइन है। यहां पर से भी आप गिल्ड को ऑफिसर एंड लीडर यहां पर से भी आप बना सकते हो। आप सब यहां पर समझ गए कि कैसे गिल्ड लीडर सब बनाना है, तो अब आपको यहां पर डन कर देना है। डन करने के बाद एक चीज और हम बताना चाहेंगे लीडर बोर्ड के बारे में। अगर आप सब यहां पर लीडर बोर्ड आपको ऊपर देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करोगे तो इससे यह पता चलेगा कि आपकी गिल्ड किस नंबर पे है, कितना बंदे लोग गिल्ड एक्टिविटी यहां पर पुरा रहा है, ये सब देख पा रहे हो, कितनी लेवल को यहां पर इंक्रीज करते जा रहा है लगातार। तो ज्यादा चांस रहेगा कि उस दिन इसके हिसाब से शायद मतलब आप सबको वी बैच नहीं मिलने वाला है, आप सबको एक नया टूर्नामेंट होने वाला है, समझ रहे हो, ये ग्लोबल, ये मतलब समझ रहे हो, ये सब पे यहां पर नहीं मिलने वाला है। मुझे जहां तक लग रहा है एक टूर्नामेंट होने वाला है जो 11 तारीख से होगा, उसमें अगर आप सब टॉप 15 के अंदर आओगे हर वीक के अंदर, समझ रहे हो, हर वीक के अंदर जितना गेम प्ले करोगे, जितना आप लोग उसमें पॉइंट को कलेक्ट करोगे उसके हिसाब से आएगा। तो भाई ये तो एक अलग ही मिशन हो जाता है गिल्ड वार के बारे में। जब ये आ जाएगा 11 तारीख को, तो मैं डिटेल के साथ वीडियो बना दूंगा, इसलिए बोलता हूं भाई चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल करके रखो, तब ना बताएंगे। लगभग लगता है मैंने इस वीडियो में सारा बता दिया, टोकन को कैसे कलेक्ट कर पाओगे, गिल्ड एक्टिविटी को कैसे क्लेम कर पाओगे, इवेंट को कैसे क्लेम कर पाओगे। अब आपको ओल्ड वाला कस्टम नहीं मिलेगा, आपको छोटा मोटा गिल्ड के बारे में बता दिया, गिल्ड से कैसे आउट कर सकते हो, गिल्ड से कैसे नाम चेंज कर सकते हो। लगभग मैंने आपको मतलब देखो ये गिल्ड का, न्यू गिल्ड का यही मतलब है कि आपको गिल्ड वाले मेंबर के साथ गेम प्ले करना है। अगर आप सब गिल्ड वाले मेंबर के साथ आप लोग गेम प्ले करो, गिल्ड वाले मेंबर देखना, ऑटोमेटिक आपको सारा समझ में आ जाएगा। जो समझ में नहीं आएगा, एक प्लेलिस्ट बनाया हो गिल्ड के ऊपर, ठीक है, सारा वीडियोस पर छोटा छोटा जितना सारी वीडियो होती है ना, जितना आपके दिमाग में कंफ्यूज है सारा मैंने अपलोड किया, और जाकर देख लेना है, गिल्ड के बारे में आज तक कभी कंफ्यूज नहीं होगा। तो भाई आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहेंगे, अगर आप लोग सस्ते में वीकली मंथली अगर आप सब खोलना चाहते हो, एक शॉप है एजी गेम शॉप जो 100% रियल है, प्ले स्टोर में अवेलेबल है, 50K से ऊपर डाउनलोड है। अगर आप लोग इसके बारे में जानना चाहते हो तो लेफ्ट वाला वीडियो पर क्लिक करो, सस्ते में आप लोग वीकली मंथली खोल सकते हो, ठीक है। अगर आपको गिल्ड के बारे में और जानकारी लेना है, ठीक है, कैसे गिल्ड को मतलब समझ रहे हो क्रिएट करें, कैसे बनाना है, तो आप लोग जो राइट वाला वीडियो पर क्लिक करो एंड प्लेलिस्ट पर जाओ, जो भी प्रॉब्लम है देखो, ठीक है, आराम से। चलो आज मैं तो मिस्त्री के मजेदार वीडियो में, टाइट टाइट, बाय बाय।